Welcome back to another beautiful day where we dive into with the fun tips and behind the scene moments and I hope you guys are doing well. So let's get started. So abhi main so kar uthi hu and abhi main karne lagi hu brush, face wash karenge, apne aap ko thoda sa set karte hain, uske baad nashta karenge. एंड आज मुझे बहुत सारे काम है और हम आज कहीं जाने भी वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं वो तुम लोगों को थोड़ी देर तक पता चल जाएगा, उसके लिए मेरे व्लॉग को पूरा देखो। मैं नहीं बताऊंगा। तो अभी सुबह उठ के सबसे पहला काम मैंने बर्तन वॉश किए एंड देन अभी मैं करने लगी हूँ ब्रश। एंड मैं तो घर बैठ बैठ के बोर हो चुकी हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मेरी फ्रेंड्स भी। तो अभी मेरी आदत है कि मुझे ब्रश करते वक्त मिरर ज़रूर चाहिए होता है, तो यहाँ पर मेरा मिरर जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर पानी गिरता रहता है। यहाँ पर हम लोग आज जल्दी उठ गए थे क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया कि हमें आज कहीं जाना था, तो बाद में धूप बहुत हो जाती है तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह ही निकलेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ काम करने हैं अपने ख़त्म, तो फटाफट से काम करते हैं। मेड आ गई थी, सफाई वगैरह हो चुकी है, सभी मैं फेस वॉश करने लगी हूँ और उसके बाद तुम लोगों से मिलती हूँ। तो यार मैं फ्रेश वगैरह हो गई थी एंड अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए सत्तू ड्रिंक जो कि मैंने कल तुम लोगों को बताई थी। एंड सुबह सुबह ये बहुत रिफ्रेशिंग होती है एंड ब्रेकफास्ट से पहले आप इसको पिएं तो इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होता है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ ड्रिंक, मामा से भी पूछ लेते हैं अगर मामा ने पीनी है तो। एंड मैंने अपने दो दिन ज़ाया कर दिए हैं और कुछ भी नहीं पढ़ा और पेपर्स आने वाले हैं और बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, नहीं भी होते तो मैं फ़ोन यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने थोड़ी टाइम देना था स्टडीज़ को लेकिन मुझसे वो भी नहीं दिया जा रहा क्योंकि सिलेबस मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। जब मैम ने बताया था तब हम लोगों ने मैम की बातों को फॉर ग्रांटेड लिया एंड अभी छुट्टियाँ हो चुकी हैं एंड हमें सिलेबस ही नहीं पता। ये हमारा फॉलोअप वीक है, मतलब फॉलोअप वीक ही होता है कि यार पेपर से पहले आप लोग तैयारी करते हो, पेपर्स की आपको ऑफ होते यूनिवर्सिटी से। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं कि सिलेबस कन्फर्म होते हैं तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि अगर हम लोग पढ़ लें और वो बाद में कट जाए तो फिर ये अच्छी बात नहीं होती ना। हम काम की चीज़ें कर लें वही बहुत है, तो एक्स्ट्रा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मेरी ड्रिंक रेडी हो चुकी है, इसको पीते हैं फटाफट से और उसके बाद मैंने अपनी जो है ना कबर्ड संभालनी है, बहुत सारे काम हैं तो वो करते हैं। एंड ब्रेकफास्ट में आज मैं यही पीऊँगी, ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो ये पीकर तुम लोगों से मिलती हूँ। तो यार मैंने अपने काम शाम कर लिए थे एंड अभी मेरी कबर्ड का हाल देखो यार, इतना बुरा हाल हुआ है। और ये सिर्फ एक कबर्ड नहीं है, इसके नीचे भी एक कबर्ड है, बल्कि मामा के खाने में भी मेरे कपड़े पड़े होते हैं। इसके अलावा इसके साथ वाली भाई की कबर्ड है, उसमें भी मेरे कपड़े पड़े होते हैं। इसके अलावा हैंग में भी कपड़े पड़े होते हैं, ऊपर पेटी में भी कपड़े हैं एंड ऊपर भाई की अलमारी में भी, दूसरी वाली में भी कपड़े हैं मेरे। बस मेरे पास इनको रखने की जगह नहीं है एंड इतने कपड़े होने के बाद भी मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो आज मैं बस ये दो वाली कबर्ड्स जो है उनको सेट करूँगी और जो कपड़े वेस्ट होने वाले हैं उनको वेस्ट कर देंगे और बाकी कपड़ों को सेट करके रखेंगे, जो प्रेस होने हैं उनको प्रेस करेंगे। और इनमें मेरे न्यू पुराने सारे कपड़े मिक्स हुए हुए हैं, कितने कपड़े ऐसे हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं हैं और मैं रैंडम इनको इसी तरह फेंक देती हूँ। तो अभी इनको अच्छे से सेट करके असेंबल करके रखेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन से कपड़े सही हैं और कौन से हम लोगों ने देने हैं। बट ये कोई आसान काम नहीं है, आराम से एक दो घंटे इसमें लग जाएंगे। और एक दो शर्ट्स मुझे इसमें सर्दियों की भी नज़र आ रही है तो उनको पैक करके हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे। एक्चुअली मेरे कपड़ों वाली कबर्ड ही ऊपर वाली थी और नीचे वाली मेरी बुक्स के लिए थी, लेकिन पढ़ाई शढ़ाई तो मैंने करनी नहीं होती और ना मेरी इतनी बुक्स होती हैं, तो वो पार्ट भी मैंने अपने कपड़ों को दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद मेरे कपड़े पूरे नहीं आ रहे थे दोनों के अंदर। तो ये वाली जो जीन्स है ना ये मैंने कभी पहनी नहीं है तो ये ऑलरेडी सेट हैं, तो इनको ऐसे ही रख देते हैं, बाकी सारे कपड़े सेट कर लेंगे। एंड इस शॉपर के अंदर मेरा न्यू ड्रेस स्टिच होकर आया था जो कि मैंने ऐसे ही पहन दिया था इसके अंदर। तो अभी एक कबर्ड खाली हुई है, अब दूसरी कबर्ड की बारी आती है। ये है मेरी स्टडी कबर्ड, लेकिन इसके अंदर जो है ना मैंने कपड़े रख दिए थे एंड इसमें कपड़े नॉट सब मिक्स हुए हैं, बैग शैक्स वगैरह एंड मेरी कुछ एक्सेसरीज थी उनको उनकी जगह पर रखा। तो अभी इसको भी निकालते हैं और सेट करके रखते हैं एंड जल्दी जल्दी ये काम करते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे रेडी भी होना है और फिर निकलना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे, फिर ना गर्मी ज़्यादा हो जाएगी एंड हमने रात को वापस भी आना है जहाँ हम जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं हम लोग एंड इतने सारे जो माउंटेन बना हुआ है मेरे इतने सारे कपड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे खाने जो हैं वो खाली कर दिए हैं दोनों के दोनों, अब यहाँ पर चीज़ें असेंबल करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और तुम लोगों से मिलती हूँ असेंबल करने के बाद। तो तेरा यहाँ पर हो चुकी है मेरी दोनों कबर्ड सेट एंड मुझे तकरीबन आधा घंटा लगे इनको सेट करने में, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी लंच, लंच प्लस ब्रेकफास्ट है हमारा। तो यहाँ पर अच्छी रोटी बनाई है मैंने, आधी रोटी मामा बना के गई थी एंड आधी जो है मैं बनाऊँगी, मतलब इसको तवे पर डालने वाला काम मेरा था जो कि मैंने सही किया, इतना बुरा नहीं किया। सो अभी मैं सबके लिए ब्रंच बनाती हूँ और उसके बाद तुम लोगों से मिलूँगी। तो यार यहाँ पर हो रहा है हमारा ब्रंच एंड आज हमारे पास
लंच में है कोफ्ते चने एंड ये मम्मा ने बहुत लजीज बनाए थे। तो अभी फटाफट से खाना खाते हैं एंड ये है जी रोटियाँ। तो यार खाना शाना खा के मैं फ्री हो गई थी एंड अभी मैं होने लगी हूँ फ्रेश। तो आज मैं पहनूंगी ये वाला ड्रेस, तुम लोगों को ठीक करके दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द आउटफिट फॉर टुडे। तो अभी रेडी शेडी होती है उसके बाद तुम लोगों से मिलती हूँ। तो यार हम लोग निकल चुके हैं अपने शॉर्ट ट्रिप के लिए एंड रास्ते में हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह लिए हैं। बट से हमने लिए थे समोसे वगैरह जो कि बहुत डिलीशियस हैं। एंड आई होप काफ़ी मज़े का ट्रिप होने वाला है क्योंकि वॉल्टन से तो हम लोग निकल चुके हैं, तो आगे का सफ़र अच्छा ही होगा। एंड वेयर वी आर गोइंग तो तुम लोगों को थोड़ी देर तक पता चल ही जाएगा। एंड हम लोगों ने रात को वापस भी आना है क्योंकि भाई को काम वगैरह होते हैं, तो हम लोग लॉन्ग स्टे नहीं कर सकते एंड हम लोग किसी से बस मिलने जा रहे हैं। तो चलते हैं और जाके तुम लोगों से मिलते हैं। तो यार रास्ते में हम लोगों ने स्वीट्स वगैरह भी लेनी है एंड अभी हम लोग आए हैं स्वीट शॉप पर। यहाँ से हम लोग पैक करा रहे हैं मिठाई वगैरह एंड हम लोग ले रहे हैं यहाँ की काफ़ी फेमस बेकरी है यहाँ से, मुझे इनका नाम एग्जैक्टली नहीं पता, मामा को पता है। अबे जल्दी सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई अभी ऑर्डर दे रहे हैं, अभी हम लोग लेते हैं और उसके बाद फिर से निकलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। एंड थोड़े से जो गुलाब जामुन है वो मैं अपने लिए भी लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट स्वीट है। और इसके अलावा ये जो हलवा होता है सोन हलवा, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी सब मुझे इतना मीठा नहीं पसंद, तो नॉर्मल लगती हैं, बस गुलाब जामुन और सोन हलवा मेरा फेवरेट है। तो भाई ने मिठाइयों का ऑर्डर शोर्डर दे दिए, अब वो पैक होती हैं। तो इतनी देर में तुम लोगों को यहाँ की सारी मिठाई दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी मिठाइयाँ अवेलेबल हैं। यार तुम लोग खुद ही देख लो क्योंकि मुझे इनके नाम नहीं पता, बल्कि अगर तुम लोगों को पता है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मोस्टली मुझे पता है जैसे गुलाब जामुन, बर्फ़ी एंड ये जो पिंक वाली वगैरह होती है इनका मुझे नाम पता है, बाकी जो है उनका मुझे नहीं पता, ये जो अजीबोगरीब मिठाइयाँ। तो यार हमारा ऑर्डर ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, बस अब पकड़ते हैं उसको और उसके बाद निकलते हैं। तो रास्ते में आया हमारे ये रिवर था कोई, आई गेस ये रावी है एंड हम तकरीबन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। तो यार मैं तुम लोगों को बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं गांव किसी से मिलने। एक दो दिन पहले मैंने जो वीडियो डाली थी ऑर्गेनिक विलेज में, तो वहाँ पर तो हम लोगों ने गांव की सारी वाइब्स ले ली थी, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं रियल वाले गाँव में। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इधर यहाँ पर दिया जा रहा है खेतों को पानी ट्यूबवेल के जरिए, आएगी इसे ट्यूबवेल ही कहते हैं। तो यहाँ पर सारी फसलों को पानी शानी दिया जा रहा है और गर्मी बहुत है, धूप निकली हुई है। तो हम आए हुए हैं मनक गांव, ये हमारा गांव नहीं है। और अभी हम लोग आए हुए हैं खेतों पर घूम रहे हैं। मुझे गांव की एनवायरनमेंट यार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ये कोई नदी टाइप है। तो अभी आगे चलते हैं और तुम लोगों को दिखाती हूँ आगे जाके। और ये साथ हमारे खेत हैं सारे इर्द गिर्द। तो गांव तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं उनके घर जिनसे मिलने हम लोग आए हैं और फिर आगे का गांव हम लोग उनके साथ घूमेंगे एंड एंजॉय करेंगे। उनका घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो अभी हम लोग जाते हैं उनसे मिलते हैं। और तो यार हम जिनसे मिलने आए थे हम उनसे मिले हैं, उनके साथ हम आए उनके खेतों में। तो यहाँ पर मुख्तलिफ फसलें उगी हुई हैं एंड यहाँ पर बफेलोज हैं एंड यहाँ पर सारी फार्मिंग वगैरह हुई हुई है। तो अभी विलेज लाइफ इंजॉय करते हैं और शाम होने से पहले हम लोगों ने घर भी जाना है वापस, तो उससे पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे एंड इस विलेज को एक्सप्लोर करते हैं तब तक। एंड यहाँ पर ये भाई जनरेटर ठीक कर रहे हैं या पता नहीं चला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी कंफर्म है कि ये जनरेटर ही है। सो गाइस हम लोग जिनसे मिलने आए थे अभी हम उनके घर की छत पर हैं और इनकी छत से ये गांव का व्यू कुछ इस तरह से है। एंड ये सारा कुछ इतना अच्छा लग रहा है मुझे विलेज लाइफ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है प्योर लाइफ। इनकी छत से सारा विलेज नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अभी हम लोग चलते हैं नीचे और नीचे जाके तुम लोगों को बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। तो यार अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए थे कुएं के पास, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा सफ़र ट्रेन का भी किया एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और बहुत मज़े का था। एंड यहाँ पर ये ट्रैक्टर निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर भी चलाएंगे। एंड ऑलमोस्ट अभी शाम हो चुकी है, तो हम लोग थोड़ी देर तक घर भी निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बच्चा ट्रैक्टर चला रहे हैं
एंड पहले मैंने ट्रैक्टर ट्राई किया हुआ है, यूनिवर्सिटी में चलाया नहीं था लेकिन पिक्स वगैरह लीन थी। हमारी यूनिवर्सिटी में LWMC का ट्रैक्टर खड़ा होता है ओल्ड हॉस्टल के सामने, हम वहाँ जाके काफी ज्यादा एंजॉय करते थे एंड पिक्चर्स वगैरह लेते थे। ट्रैक्टर के साथ भी हम लोगों ने ली हुई है। तो यार अभी रात हो गई थी एंड हम लोग जा रहे हैं घर एंड काफी ज्यादा थक गए हैं। गर्मियों में कहीं जाना आसान काम नहीं होता, हालत खराब हो जाती है। तो अभी काफी ज्यादा थक गए हैं, एक तो थकावट की वजह से, दूसरा गर्मी की वजह से। तो घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, ठंडा ठंडा जूस पियेंगे फालसे का, और उसके बाद जो है मुझे भूख लगी है, नूडल्स खाऊंगी मैं घर जाके। और इसके बाद सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि विलेज लाइफ एंड प्योर लाइफ किसको पसंद नहीं आती। मेरी ऑर्गेनिक विलेज वाली वीडियो को तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लाइक किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं असली विलेज लेकर चलती हूँ तुम लोगों को। तो यार इसी के साथ आज की वीडियो को करूँगी एंड, तुमसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खुश रहो एंड स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि गर्मी है एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड जा किधर रहे हो, गो एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि तुम लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। अभी मैं नूडल्स खाने लगी हूँ, सो आज के व्लॉग से मुझे दो इजाजत, इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।